नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं, आप लोगों को बता दें, जब भी आप गूगल फॉर्म बनाते हैं, और दोस्तों गूगल फॉर्म बनाने के बाद ऐसा होता है कि जो गूगल फॉर्म बनाता है उसको सारे एडिट्स करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जिसके भी लिए गूगल फॉर्म बना रहे होते हैं, वो अगर एट ए टाइम कुछ चेंजेस चाहता है या वो चाहता है कि हम भी उसको बाद में चेंज कर सकें, तो उसके लिए हम उसे कोलैबोरेटर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि गूगल फॉर्म ने ये जो है अपडेट अब यहाँ पर लागू कर दिया है। आप सारे राइट्स बनाए गए गूगल फॉर्म के किस तरीके से दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको चलना है आपके गूगल फॉर्म्स पर, और जिस भी ईमेल आईडी से आपके गूगल फॉर्म एसोसिएटेड हैं, आपको वहाँ जाना है। जाने के बाद मान लीजिए दोस्तों, जैसे ये गूगल फॉर्म दे रखा है, देखिए साइन अप करके नाम है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये गूगल फॉर्म मैंने बनाया है, मैं चाहता हूँ किसी दूसरे व्यक्ति को इसका एक्सेस देना, ताकि वो इसमें चेंजेस कर सके, अपडेट कर सके, यहाँ जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं उनको देख सके। तो दोस्तों करना क्या है, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं मोर का, ये मोर के ऑप्शन में आपको ऐड कोलैबोरेटर्स का ऑप्शन दिख रहा है, यही वो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, और वहाँ पर आप उस ईमेल आईडी को यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं दोस्तों, जिस ईमेल आईडी को आप ये सारे एक्सेस देना चाहते हैं। तो मैं वो ईमेल आईडी आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो मेरी दूसरी आईडी है, मैंने ये ईमेल आईडी दे दी है, और यहाँ पर मैंने जो है एडिटर रख रखा है इसको, और मैं यहाँ से सेंड कर दूँगा। दोस्तों जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा, मेरे इस ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा, वह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से सेंड कर दिया है, और इस साइन अप फॉर्म का एक्सेस जो है मैंने अब अपडेट कर दिया है, अब इसका एक्सेस जो है मेरी दूसरी आईडी पर भी चला गया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दूसरी आईडी दिखाता हूँ ओपन करके, और दूसरी आईडी ओपन करने के बाद जो है आप वह मेल भी देख पाएंगे। हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, ये जो हमारी ईमेल आईडी है जिस पर हमने एक्सेस दिया है, वहाँ पर मेल आ गया है, और अभी आपने जो नोटिफिकेशन सुना वह इसी मेल का है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो लिखा हुआ आता है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में आपको सीखने मिलेगा दोस्तों। और ये आप देखिए जो है यहाँ पर लिखा आ रहा है, विवेक भारद्वाज फॉर्म शेयर्ड विथ यू, साइन अप करके एक फॉर्म है जो कि आपके साथ शेयर किया गया है, और आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ लिखा आ गया है। एक फॉर्म बनाया गया था, आपको इनवाइट किया गया है, आप एडिट कर सकते हैं इस फॉर्म को, साइन अप नाम हमने इस फॉर्म को दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इसका लुकआउट दिख रहा है, ओनर कौन है, यहाँ पर ओनर का नाम आ रहा है, लास्ट उसने कब एडिट किया ये भी लिखा आ रहा है। आप इसको अब यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और दोस्तों जिस आईडी से अब ये ओपन हो रहा है, आप ये आईडी पढ़ सकते हैं, देखिए ये ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी आ जाएगी। इस ईमेल आईडी से जो है हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी से ये फॉर्म अब ओपन हो गया है, और अब आप इसमें जो भी चेंज करना चाहें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चेंज करके इसको अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वह शेयरिंग ऑप्शन जो कि गूगल फॉर्म ने अब सभी लोगों को दे दिया है, और ये जाना जाता है कोलैबोरेटर्स के नाम से, ऐड कोलैबोरेटर्स आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, और आपको पता चलेगा कितने कोलैबोरेटर्स बनाए गए हैं, कितने लोग इसको चेंज कर सकते हैं, कितने भी लोगों को आप इसका एक्सेस दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो लोगों का लिखा आ रहा है, शेयरिंग इज सिंपलर, विवेक भारद्वाज ओनर, और यहाँ हमने जो जिस दूसरी आईडी को यहाँ एक्सेस दिया है वह यहाँ पर एडिटर हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा। अब मैं आपको जिस आईडी पर ले चलता हूँ जहाँ से मैंने इस फॉर्म को जो है शेयर किया था, और मैं यहाँ से इस कोलैबोरेटर ऑप्शन को अगर बंद करना चाहता हूँ, तो मैं ऐड कोलैबोरेटर पर जाने के बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है एडिटर का, यहाँ पर रिमूव एक्सेस लिखा आ रहा है, ओनरशिप भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से एक्सेस रिमूव कर देता हूँ। अब ये देखिए एक्सेस रिमूव हो गया है, और मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। अब ये एक्सेस जो है अपडेट हो गया है, और इसका एक्सेस अब किसी के पास नहीं है, अकेले जो है हमारे आईडी के पास है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये गूगल फॉर्म
को एक्सेस कैसे देना है ये वीडियो समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सभी को बताइए किस तरीके से आप इस कोलैबोरेटर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों आज के टाइम में, जब भी आप चाहते हैं कि बार बार आपको परेशान ना किया जाए और जिस व्यक्ति को चेंजेस करने हैं आप उसको यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं, वह आसानी से गूगल फॉर्म को अपडेट कर पाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।